हे गाइस, वेलकम टू वॉच बिफोर यू बाय। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कंपैरिजन वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है यूएजी केसेस के। ये जो दोनों ही केसेस हैं वो हैं सैमसंग नोट 8 के। इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो दोनों केसेस हैं, एक तो डुप्लीकेट है और एक है ओरिजिनल। डुप्लीकेट मतलब मीन्स फर्स्ट कॉपी है ये, और दूसरा वाला जो है वो ओरिजिनल है। ये जो है ये अमेजोन से मैंने ख़रीदा है, और ये जो मैंने है वो मैंने ईबे से ख़रीदा है। इसकी प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे सब मेंशन की गई है, जबकि यहाँ पे ईबे वाले पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है इन्होंने। ओरिजिनल वाले पे आपको बारकोड भी मिलता है, जबकि ईबे वाला एकदम प्लेन है। अदरवाइज़ जो भी केस है वो बिल्कुल डिटो कॉपी है। आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो, जो ये जो ड्रॉप टेस्ट लिखा है ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। अगर आप इसको हाथ फिराओगे तो थोड़ा सा उभर कर आता है, आपको फील होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लिखा ही हुआ है, कुछ भी ऐसा उभरा हुआ आपको फील नहीं होता। ऊपर से ये है ओरिजिनल की गारंटी, यहाँ पे इन्होंने टॉप ग्रेन लेदर लिखा है, और ये भी जो पार्ट है ये भी उभरा हुआ है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। होता भी तो भी सीधा इन्होंने टेक्सचर बना दिया होता, लेकिन ये उभर कर आता है, आप इसको फील कर सकते हो। जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि सच में दोनों सेम है या फिर कोई हमें फ़र्क देखने को मिलता है। बैक केस की बात करूँ तो दोनों ही सेम है, मुझे यहाँ भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सब डिस्क्रिप्शन जो है वो सेम लिखी गई है, और जो क्वालिटी है कवर की वो भी एकदम डिटो है। तो सबसे पहले खोलते हैं डुप्लीकेट वाला। ये रहा हमारा डुप्लीकेट प्रोडक्ट, जो कि मैंने ईबे से मंगाया है, यूएजी का केस। अब ध्यान से देखना और मुझे बताना कि आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है या फिर नहीं। ये इसका बैक पैनल है और ये है इसका फ्रंट। यहाँ पे हनीकॉम पैटर्न दिया है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है। वो जो स्क्रूज़ हैं वो यहाँ पे भी मेंशन किए हैं थोड़े से, और यहाँ भी स्क्रूज़ जो हैं वो मेंशन हुए हैं। बाकी यहाँ पे भी हनीकॉम पैटर्न है डुप्लीकेट वाले में। और अब खोलते हैं ओरिजिनल, तो आपको बताती हूँ कि ओरिजिनल कैसा है। पैकेजिंग इसकी भी अनबॉक्सिंग के लिए सेम है, लेकिन इसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा टाइटली फिट था ये। ये रहा हमारा ओरिजिनल वाला, आप देख सकते हो इसका कलर भी मुझे वैसा ही लग रहा है, मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा। स्क्रूज भी एकदम वैसे हैं, यूएजी की ब्रांडिंग है। यहाँ पे भी आपको हनीकॉम पैटर्न मिलते हैं, यहाँ पे भी स्क्रूज थोड़े से दिखते हैं। और ये रहे इसके कटआउट्स, और ये रहे डुप्लीकेट वाले के कटआउट्स। दोनों के कटआउट्स आप ध्यान से देख सकते हो, ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल। मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है दोनों में वो ये है कि जो ओरिजिनल है वो थोड़ा सा शाइनी सा लग रहा है, मुझे जो ब्लैक पार्ट है ये थोड़ा शाइनी है, जबकि इसका बिल्कुल भी शाइनी फील नहीं दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है वो ये है कि जो हनीकॉम ओरिजिनल का है वो बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा उभरा हुआ है, जबकि जो डुप्लीकेट वाले का हनीकॉम पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है। और ये यूएजी की ब्रांडिंग है अंदर की तरफ, ये भी बिल्कुल हल्की सी आपको फील होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर इस पर आप हाथ फिराते हो तो ये बहुत ही आपको फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उभर के आया हुआ है। बाकी कटआउट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्होंने प्रोटेक्शन दी है यहाँ पे भी आपको मिलती है डुप्लीकेट वाले में, आप देख सकते हो ध्यान से। बटन्स की बात करूँ तो दोनों ही एक जैसे दिए हुए हैं, दोनों का टेक्सचर एकदम सेम मेरे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको टेक्सचर मिलता है बिक्सबी बटन पे, और डुप्लीकेट वाले पे भी आपको टेक्सचर देखने को मिलता है बिक्सबी वाले पे। बस यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा शाइनी है ओरिजिनल, जबकि कॉपी जो है वो बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। यहाँ के कटआउट्स भी एकदम बराबर हैं, यहाँ भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलती है, जो आपके पावर बटन पे है वो आपको टेक्सचर देखने को मिलता है, और कुछ नहीं है। अभी हम इसके बैक कवर पे नज़र डालते हैं कि क्या डिफरेंस है। इसके बाद नज़र डालते हैं बैक पैनल्स पे कि आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है या नहीं। मुझे ये ओरिजिनल वाला थोड़ा सा डार्क लग रहा है रेड कलर इसका, और इसका थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है। और जो मेजर डिफरेंस मुझे फील हो रहा है, ये जो यूएजी में है वो रियल लेदर यूज़ किया गया है, ब्लैक कलर का लेदर यूज़ किया है, जबकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट में ये लेदर नहीं है, बल्कि एक टेक्सचर बना दिया गया है, ये प्लास्टिक का है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर आप टच करोगे इसको और इसको, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये प्लास्टिक है। जिसने भी फर्स्ट टाइम ख़रीदा है ये केस, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यूएजी का केस जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो यही सबसे बड़ा
मेरे को डिफरेंस नज़र आ रहा है। बाकी स्क्रूज़ की बात करूँ तो दोनों ही मुझे सेम लग रहे हैं, कटआउट्स दोनों के एकदम प्रॉपर हैं। कॉपी वाले में भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं होती है कटआउट्स में। इसकी ब्रांडिंग की बात करूँ तो ब्रांडिंग में जो इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है वो एकदम बढ़िया है, सेम यहाँ पे है। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी जो ब्रांडिंग दी है बहुत ही अच्छी है। प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है 4000 रुपीज़ का, जबकि ये कॉपी वाला मैंने ईबे से ख़रीदा है 749 इंडियन रुपीज़ का। मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मुझे चेक करना था कि कॉपी में आपको क्या मिलता है। ये अमेज़न से कि कॉपी प्रोडक्ट में बहुत कुछ मिलता है यूएजी के केस में 750 रुपये में, मतलब आपको पूरा का पूरा यूएजी ओरिजिनल तो नहीं मिल रहा लेकिन काफ़ी हद तक 90% तक आपको वैसा ही मिलता है। तो मैंने इन दोनों केसेस को अपने नोट 8 पे अप्लाई करके भी देखा है, अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि नोट 8 से मैं शूट कर रही हूँ इसके लिए, अदरवाइज़ मैंने सब इनको देखा है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। बल्किनेस दोनों की बराबर है, मतलब कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है, और जो ग्रिप है वो भी दोनों का बराबर है, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। तो आपने वीडियो देख लिया तो मुझे बताना कमेंट में कि आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है दोनों में या नहीं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, अगर आपको वीडियो देख के कुछ डिफरेंस लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ लाइक कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, हैव अ गुड डे।